सो हे व्हाट इज अप गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट आदि सिंह। गाइज कल क्या हुआ था कि कल मेरा जो है सो वीडियो पे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नया चैनल है तो उतना व्यूज अभी वीडियो पे नहीं आता है। इस वीडियो को जो है सो पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है सो हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे न्यू यूट्यूबर्स हैं जो कम व्यूज के कारण जो है सो वो अपना चैनल को जो है सो वो बंद कर देते हैं। गाइज कल क्या हुआ कि कल मेरे जो है सो वीडियो पे जो है सो एक कमेंट भी आया था और साथ में पर्सनल एक भाई का मैसेज भी आया था कि भाई तेरे वीडियो पे जो है सो इतना ज़्यादा व्यूज नहीं आता है, तो तुम अपने चैनल को कैसे चला रहे हो, मतलब कि बंद क्यों नहीं कर देते हो। तो वो बोल रहे थे इसलिए क्योंकि उनको जो है सो वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा था और वो चैनल पे काम करना छोड़ दिए थे। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि अगर आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, फिर चैनल को छोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके लिए ये वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिए। गाइज उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर लें कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो घंटे का आइकन आता है उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप देख पाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज कल एक व्हाट्सएप पे जो है सो हमें मैसेज आया था कि भाई तुम्हारा वीडियो पे जो है सो ज़्यादा व्यूज नहीं आता है, तो तुम कैसे कंटिन्यू जो है सो काम कर रहे हो, टाइम पे वीडियो डाल रहे हो, क्यों ना मतलब कि टाइम पे वीडियो डालना छोड़ देते हो, यूट्यूब पे वीडियो डालना, और तुम कैसे ये सब कर लेते हो। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोग जो है सो आपको डिमोटिवेट करना भी चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई तेरे वीडियो पे व्यूज ही नहीं आता है, तो फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है यूट्यूब पे। ये सब बहुत जो है सो होगा, आपके साथ हो भी रहा होगा। तो जो न्यू यूट्यूबर हैं उनको हम ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ में आपको सक्सेस करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप वीडियो अभी डाल रहे हैं, वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा है, तो मेरा वीडियो पर अभी कितना व्यूज आ रहा है, 10 या 15 व्यूज आ रहा है बिना शेयर किए हुए, और 10-15 में जो है सो मेरा सब फ्रेंड ही है और 2-3 जो है सो आप लोग हैं। तो ये इसलिए जो है सो आपको कंटिन्यू वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे डालना चाहिए। अब काफ़ी लोग गाइस क्या करते हैं कि चैनल जब बनाते हैं और वीडियो डालते हैं, 5 वीडियो डालते हैं, 10 वीडियो डालते हैं, और वीडियो डालने के बाद जो है उनका ज़्यादा व्यूज नहीं आ पाता है तो वो चैनल को छोड़ देते हैं वीडियो पे काम करना। तो गाइस हम आपको बता दें कि ऐसा मत कीजिएगा। आप जो है सो हम तो ये बोलेंगे आपको कि 100 वीडियोज तक आप कुछ भी मत सोचिए कि आपका चैनल पे कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 100 वीडियोज जो है सो आप कंटिन्यू डालते रहिए, 100 वीडियो डालिए, और यूनिक वीडियो। ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो बनाकर एक ही महीने के अंदर में जो है सो 100 वीडियो डाल दिए। कितना भी टाइम लगे वो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ये ध्यान देना है कि आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए, कंटेंट अच्छा रहना चाहिए, और 100 वीडियो जो है सो आप अपने चैनल पर डालिए। कम से कम 100 वीडियो के अंदर आप देखिए कि अगर आप जो है सो आपका लक साथ देता है और अच्छे वीडियो क्वालिटी होता है, सब कुछ सही रहता है, तो 100 वीडियो के अंदर ही जो है सो आप जो है सो लाखों सब्सक्राइबर जो है सो क्रॉस कर लेंगे। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियो डालते हैं, 5-10 वीडियो डालने के बाद वो हार मान जाते हैं, वीडियो पे व्यूज नहीं आता है। तो हम आपको बता दें कि YouTube पे इतना जल्दी आसानी नहीं है ग्रो करने के लिए। आपको 100 वीडियो कंटिन्यू जो है सो आपको डालना चाहिए, उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि आपका चैनल ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। 100 वीडियो डालने के बाद अगर आपका चैनल ग्रो नहीं करता है तो उसके बाद आप जो है सो कोई दूसरा तरीका जो है सो आप स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है कि आप जिस चैनल पे जो है सो अभी काम कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, उस टॉपिक में जो है सो आप सही से जो है सो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, इसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो गाइज हम सिर्फ यही आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आप नया यूट्यूब चैनल आप ओपन किए हैं तो 100 वीडियो जो है सो आप बिना कुछ सोचे समझे कंटिन्यू 100 वीडियो डालिए कि हमको 100 वीडियो चैनल पे डालना है, उसके बाद देखिए कि आपका चैनल कितना जल्दी ग्रो करेगा। वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बस यही बोलना चाहेंगे न्यू यूट्यूबर को कि हार मत मानिए, वीडियो पे कंटिन्यू जो है सो वीडियो डालते रहिए, और एक फिक्स टाइम बना लीजिए कि आपको डेली एक वीडियो डालना है, डेली 2 वीडियो बाद डालना है। जैसे कि हम फिक्स एक टाइम बना लिए हैं कि सुबह में 6 बजे जो है सो मेरा वीडियो जो है सो यूट्यूब पे आ जाता है। तो ऐसे करके आप एक टाइमिंग बना लीजिए, और कोई भी काम के बीच में आप कभी भी वीडियो को शूट कर लीजिए, कोई यूनिक वीडियो को, और उसके बाद अपनी टाइमिंग पे पोस्ट करते रहिए, आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। तो मेरे चैनल पे अभी देख सकते हैं 10-15 व्यूज आते हैं, लेकिन फिर भी हम वीडियो को डाल रहे हैं। हम अगर यहाँ पे चाहें तो डिमोटिवेट भी हो सकते हैं कि भाई व्यूज ही नहीं आ रहा है, अब मेरा कब मोनेटाइज होगा चैनल, कब 1000 सब्सक्राइबर पूरेंगे, कब 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरेगा। तो ऐसे अगर हम अभी ही सोच लेंगे तो लाइफ में हम कभी भी कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। इसी के वजह से हम आपको बोलना चाहते हैं कि डिमोटिवेट मत होइए। कोई डिमोटिवेट अगर भी आपको करता है कि भाई तेरे वीडियो पे व्यूज नहीं आता है तो काम करना छोड़ दे, ये काम करना स्टार्ट कर दे, यूट्यूब छोड़ दे, तो ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। आपको जो चीज़ पे फोकस करना है बस उसी चीज़ पे आप फोकस करके काम कीजिए। हम ये चैनल पे फोकस कर रहे हैं, कहने का ये मतलब हो गया कि मेरे वीडियो पे व्यूज ही नहीं आता है, फिर भी हम वीडियो इस पे डालते हैं,
अच्छा एडिटिंग करते हैं, अच्छा क्वालिटी देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि हम जो है डिमोटिवेट होना नहीं चाहते हैं। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं हो तो परसों होगा, होगा ही चैनल मोनेटाइज, साथ में ग्रो करेंगे ही। अब बहुत डिपेंड ये करता है कि कोई जल्दी ग्रो कर जाता है, कोई लेट से ग्रो करता है, लेकिन ग्रो सब करता है अगर कंटिन्यू, अगर आप यूट्यूब पर काम करते हैं तो। वीडियो में कुछ नहीं, वीडियो पसंद आया हो ये मेरा ओपिनियन है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है कुछ नया टॉपिक पे हम आपको वीडियो बनाएंगे, तो मिलते ही और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।